नवी मुंबई में 26 अगस्त को 287 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 24,000 का आंकड़ा पार करते हुए 24,214 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 3,343 तक पहुंच चुका है। नवी मुंबई हाइलाइट्स, बता दें कि आज नवी मुंबई में आज फिर कोरोना संक्रमण का ग्राफ तकरीबन 300 तक पहुंचा। बता दें कि नवी मुंबई में लगातार 3 दिनों से रिकॉर्ड कायम करते हुए आज फिर सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज नेहरू से पाए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर कोविड-19, बता दें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 71,668, रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 1,546, आरटीपीसीआर टेस्ट की कुल संख्या 48,389, कुल कोरोना जांच की संख्या 1,20,057। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 278 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 20,314। कोरोना वायरस इन किड्स, बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि एरोली से एक लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बेलापुर से एक लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली से एक लड़की एक लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोपरखैरने से एक लड़का, वहीं नेहरू से आज 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सानपाड़ा से एक लड़की और एक लड़का आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि कोपरखैरने से 5 वर्षीय एक, एरोली से 2 वर्षीय एक, बेलापुर से 1 वर्षीय एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली से आज 5 वर्षीय एक, 6 वर्षीय एक, वहीं नेहरू से 2 वर्षीय एक, 3 वर्षीय एक, 6 वर्षीय एक और 10 वर्षीय 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं सानपाड़ा से 2 वर्षीय एक और 5 वर्षीय एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल है 104 महिलाएं और 174 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 9 महिलाएं, 22 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए नेहरू से 18 महिलाएं, 36 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए वाशी से 8 महिलाएं, 9 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए तुर्बे से 14 महिलाएं, 27 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए कोपरखैरने से 18 महिलाएं, 28 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए घनसोली से 23 महिलाएं, 27 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए एरोली से 11 महिलाएं, 20 पुरुष। कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए और दीघा से 3 महिलाएं, 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई से कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि आज एरोली से 44, कोपरखैरने से 35, बेलापुर से 15, दीघा से 1, घनसोली से 50, जुईनगर से 6, नेरुल से 70, सानपाड़ा से 14, सीवुड से 10, तुर्भे से 3 और वाशी से आज 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बता दें कि एरोली सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 5, सेक्टर 17 से 3, सेक्टर 19 से 7, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 3 से 5, सेक्टर 4 से 8, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 8 ए से 2, सेक्टर 9 से 2, साइनाथवाड़ी से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सानपाड़ा सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 16 ए से 4, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 8 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तुर्भे की तरफ बढ़े तो तुर्भे सेक्टर 22 से 1, सेक्टर 24 से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि कोपरखैरने सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 11 से 4, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 19 से 4, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 6 से 4, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 2, बोनकोड़े से 1, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 19 सी से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जुईनगर की तरफ बढ़े तो नगर सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 24 से 3, सेक्टर 25 से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 10 से आज 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 13 से 1, सेक्टर 15 से 4, सेक्टर 15 ए से 1, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 2 से 3, सेक्टर 20 से 2, सेक्टर 21 से 1, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 48 से 1, सेक्टर 6 से 4, सेक्टर 8 से 6, सेक्टर 9 से 3, शिरौने से 5, कुक्षेत से 4, सारसोले से 4, सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 27 से 1, सेक्टर 28 से 2, सेक्टर 40 से 1 और करावे से
आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वाशी की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 4, सेक्टर 15 से आज 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 2, सेक्टर 29 से 2, सेक्टर 24 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 11 से 2, जुहू गांव से 3, सेक्टर 31 से 2, कोपरी गांव से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 9 से 5, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 7 से 5, सेक्टर 5 से 5, सेक्टर 4 से 6, सेक्टर 11 से 5, रबाले से 3, चिंचाली से 5, आनंद नगर से 1, घनसोली से 1, रबाले गांव से 1, सामर्थ नगर से 1, गोठिवली से 1, घनसोली गांव से 5 और तलवली से आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। बेलापुर की तरफ बढ़े तो बेलापुर सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 11 से 3, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 20 से 3, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 26 से 1, सेक्टर 27 से 1, दिघा विष्णु नगर से 1। वहीं सीवुड की तरफ बढ़े तो सीवुड सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 46 से 2, सेक्टर 48 से 2, सेक्टर 27 से 1, सेक्टर 40 से 1, सेक्टर 42 ए से 1, सेक्टर 44 से 1, सेक्टर 56 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई में कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 11 से 20 की एज ग्रुप में 21, 21 से 30 की एज ग्रुप में 67, 31 से 40 की एज ग्रुप में 67, 41 से 50 की एज ग्रुप में 48 और 50 से अधिक के एज ग्रुप में आज 72 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। दुखद घटना, आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 6 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 557 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सेक्टर 21 तुरभे 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 17 वाशी 64 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 5 घनसोली 48 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, दिघा 40 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 11 वाशी 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 4 कोपरखैरने 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो चलिए डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 120,057, कोरोना पॉजिटिव केस 26 अगस्त 2020 यानी आज 287, कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 24,214, कोरोना के एक्टिव केस 3,343, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 284,241, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 28,559, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 20,314, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 26 अगस्त 2020 यानी आज 278, रिपोर्ट प्रलंबित 588, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 557 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 6। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।